News 18, India. शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे 11 विधायकों के साथ बंबई से सूरत चले गए और शिवसेना छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बना ली। तो जो लोग एकनाथ शिंदे के साथ साथ 11 विधायकों को तोड़ने आए थे, वही लोग आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने आए। और जो तेलंगाना में हुआ, जो एक स्टिंग के माध्यम से हमने देखा कि कुछ लोग विधायकों को तोड़ने के लिए करोड़ों रुपए कैश लेके घूम रहे थे, वही लोग आम आदमी पार्टी के विधायकों से संपर्क कर रहे हैं। तो मैं क्राइम ब्रांच के राजनीतिक आकाओं को बताना चाहती हूं कि आपको भी पता है कि कौन वो लोग हैं जो पिछले 7-8 साल से एक एक करके अपोजिशन की सारी सरकारों को तोड़ रहे हैं, और वही लोग हैं जो आज आम आदमी पार्टी के एमएलए से संपर्क कर रहे हैं। अब मैं जैस्मिन शाह जी से कहूंगी कि वो अपनी बात रखिए। दोस्तों, आप सबने कल देखा कैसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के आवास के बाहर जब क्राइम ब्रांच, दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के दर्जन करीब ऑफिसर, जिसमें कई सीनियर ऑफिसर खड़े थे, उनकी टीम पहुंचने के पहले सारी मीडिया वहां पे पहुंच गई थी। किसने बताया मीडिया को? भाजपा ने बताया। मतलब भाजपा को पता चल जाता है कि अभी क्राइम ब्रांच मुख्यमंत्री आवास पे पहुंचने वाली है। आज मंत्री आतिशी जी के यहां क्राइम ब्रांच के वही दर्जन ऑफिसर पहुंच जाते हैं, उससे पहले दो दर्जन मीडिया वाले पहुंच जाते हैं, और फिर वहां पर 5 घंटे, कल मुख्यमंत्री आवास के बाहर 5 घंटे ये क्राइम ऑफिसर अपना सारा कामकाज छोड़कर केवल खड़े रहते हैं और कहते हैं नहीं जी, हमें तो मुख्यमंत्री जी से मिलना है। आप सबने वो वीडियो देखा होगा जहां मैंने उनसे एक आम नागरिक के तौर पर सवाल पूछा कि किस धारा के तहत, बस इतना बता दीजिए, किस धारा के तहत आप ये नोटिस मुख्यमंत्री जी को पर्सनली हाथ में सौंपना चाहते थे। क्या कहा उन्होंने? नहीं जी, मीडिया के सामने नहीं कहूंगा, आ जाइए अंदर बात कर। टीएमसी के उम्मीदवार होंगे शत्रुघ्न सिन्हा। विपक्षी गठबंधन पर कांग्रेस नेता हरीश रावत का बयान काफी, चुनाव से ठीक पहले सब हो जाएगा ठीक, नीतीश कुमार पर भी उन्होंने साधा निशाना। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने जारी किया राहुल गांधी का वीडियो, सर पर लगा टीका पोंछते हुए नजर आए राहुल गांधी।